हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनपीवी और आईआरआर में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि क्या इनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। क्वेश्चन दिया है, मानो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख, कैश इनफ्लो है 30,000 एनुअली, लाइफ है प्रोजेक्ट की 5 साल और डिस्काउंट रेट दे रखी है 10%, और 10% से जो डिस्काउंट फैक्टर हमारा है 5 साल का 3.791 दिया हुआ है। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर कैलकुलेट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक बार हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में एनपीवी और आईआरआर में क्या डिफरेंसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो 30,000 एनुअली दिया हुआ है इसने, इनटू में हम इसको डायरेक्ट डिस्काउंट फैक्टर है जो 5 साल का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर है 3.791 और हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो आती है 1,13,700, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी जो टोटल हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है माइनस में जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो 13,700 हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हमको ये प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल देना है कि ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे एनपीवी मेथड से, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस है इसके अंदर। अब आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और जो प्रोजेक्ट से हमें नेट कैश इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू दोनों की इक्वल जिस रेट पे हो जाए वो हमारी आईआरआर मानी जाएगी। यानी मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी अगर 1 लाख होती है तो वो जिस रेट से होगी वो आईआरआर मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम पीवी फैक्टर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन में कैश इनफ्लो। तो हमारा पीवी फैक्टर आ जाएगा 3.333, ये हमारा पीवी फैक्टर है। अब इस पीवी फैक्टर को अगर हम अपने एन्युटी टेबल में चेक करेंगे तो ये 15% के आसपास आएगा, तो अपने 15% मान लेते हैं कि डिस्काउंट रेट हमारी 15% है। डिस्काउंट रेट 15% है और इसको वापस हम रीचेक करेंगे तो 30,000 इंटू 3.33 करेंगे तो 1 लाख ही आना है हमारा। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आ गई। यानी 15% से डिस्काउंट रेट से जो ये कैश इनफ्लो है उनकी 5 साल की वैल्यू 1 लाख के बराबर ही आएगी। तो ये 15% हमारी आईआरआर आ गई। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इनके डिफरेंसेस करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, अपने दोबारा जब डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे तो वापस हम इस क्वेश्चन और आंसर को चेक करके समझाएंगे। दोनों के दोनों जो एनपीवी और आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये दोनों टाइम एडजस्टमेंट मेथड है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर है। पहला है एनपीवी में डिस्काउंट रेट जो है वो नॉन फैक्टर है, जबकि आईआरआर में अननोन फैक्टर है। अब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं। एनपीवी के अंदर देखो, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है डिस्काउंट रेट 10%, यानी कि नॉन है, नॉन फैक्टर है, जिसको हम जानते हैं कि किस रेट से हमें प्रॉफिट होगा या कॉस्ट है हमारी कैपिटल की, तो हमें वो 10% माननी है। लेकिन आईआरआर में हमने कैलकुलेट की है 15%, ऊपर दी नहीं हुई, हमने कैलकुलेट की है, तो ये अननोन फैक्टर आ गया। अब दूसरे में एक हिसाब से हम इनकी डेफिनेशन दे रहे हैं। एनपीवी का मीनिंग है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की, उसको हम माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है। आईआरआर के अंदर क्या है, आईआरआर एक ऐसी डिस्काउंट रेट है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है उसको इक्वल करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू अपने ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू देख लो आप, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1,13,700 माइनस में 1 लाख बराबर में 13,700, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो इसमें दिया हुआ है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू को हम डिडक्ट करेंगे कैश आउटफ्लो से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, तो
तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। आईआरआर के अंदर क्या है, आईआरआर के अंदर 15% रेट हमारी जो निकाली है, यानी जो 30,000 हमारा कैश इनफ्लो ईयरली हो रहा है, इसको 15% की डिस्काउंट रेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ईयरली, तो उसका टोटल 1,00,000 ही आएगा, 1,00,000 ही आएगा उसका टोटल। जबकि 10% से अगर हम करते हैं तो उसका टोटल आएगा 1,13,700, और 15% से करेंगे तो 1,00,000 आएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इन एनपीवी मेथड वन कैन मेक डिसीजन फॉर एनी प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, वेयर एज इन आईआरआर मेथड नो सच डिसीजन कैन बी मेड। यानी एनपीवी मेथड के अंदर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे एनपीवी मेथड में देखो, इसके अंदर 1,13,700 माइनस में 1,00,000 किया तो 13,700 हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट जज कर सकते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आईआरआर के अंदर क्या बता रहा है भाई, 15% इसकी डिस्काउंट रेट है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि भाई इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, कॉस्ट भी इक्वल आ रही है इसकी, किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के। तो ये कोई हमें सजेशन नहीं दे रहा कि ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना। एनपीवी मेथड फोकस ऑन प्रोजेक्ट सरप्लस, प्रोजेक्ट के सरप्लस के ऊपर ये फोकस करता है। आईआरआर किस पे फोकस करता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है प्रोजेक्ट का, जैसे एनपीवी ने सरप्लस के ऊपर फोकस करता है कि भाई इस रेट से अगर हम चलेंगे तो 13,700 हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सरप्लस के हिसाब से सोचेगा कि हमें कितना सरप्लस होगा, किस रेट से अगर हम प्रॉफिट बनाएं तो। जबकि आईआरआर मेथड क्या बता रहा है कि 15% की रेट से अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, ना हमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर हमारी जो आईआरआर है वो 15% रहती है तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। फिफ्थ है, एनपीवी मेथड रिजल्ट्स इन ए रुपीज़ वैल्यू दैट ए प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस, वाइल आईआरआर जनरेट्स द परसेंटेज रिटर्न दैट द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट। एनपीवी मेथड के अंदर देखो, कहीं भी जो आंसर आया है वो हमारा वैल्यू के अंदर आया है, रुपीज़ वैल्यू के अंदर आया है, 13,700, परसेंटेज में नहीं आया, ठीक है, ये बता रहा है। यानी एनपीवी में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो रुपीज़ वैल्यू में आएगा, आईआरआर के अंदर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, 15%, यानी ये परसेंटेज टर्म में आ रहा है। यानी एनपीवी हमारा एब्सोल्यूट टर्म है और आईआरआर परसेंटेज टर्म है। एनपीवी मेथड रिक्वायर्स द यूज ऑफ ए डिस्काउंट रेट विच कैन बी डिफिकल्ट टू डिराइव सिंस मैनेजमेंट माइट वांट टू एडजस्ट इट बेस्ड ऑन perceived risk level. The IRR method does not have this difficulty since the rate of return is simply derived from the underlying cash flows. NPV method के अंदर management क्या करती है, वो ये सोचती है, वो ये plan करती है कि भाई हमें 10%, 8%, 12%, 13%, वो rate पहले से ही decide करती है, rate पहले से ही decide करती है management। जैसे इसके अंदर हमने 10% पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कितना डिसाइड करेगा, और वो इसके अंदर डिफ़िकल्टी भी हो सकती है कि भाई 10% करें 9 करें, क्या रिटर्न हो सकते हैं हमारे। प्रोजेक्ट तो हमारा अभी हम लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं अभी, मान लो 1,00,000 प्रोजेक्ट है, अब हम कितने श्योरिटी से बोल सकते हैं कि भाई हमें 10% पूरे 5 साल तक इसमें प्रॉफिट होगा। ये तो मैनेजमेंट परसीव कर रहा है ना कि भाई 5-10% हमारी रेट हो सकती है इसके ऊपर, एग्जैक्ट नहीं है ये, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको निकालना, जो एनपीवी मेथड में जो डिस्काउंट रेट है उसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जबकि आईआरआर के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, जो कैश फ्लो हमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आईआरआर आराम से निकाल सकते हैं कि आईआरआर इसकी कितनी बन सकती है जिससे हमें ना लॉस ना प्रॉफिट होगा। आईआरआर इज ए डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इक्वल्स जीरो। आईआरआर
जो रेट हमें दी हुई है उस वैल्यू पे, उस परसेंटेज पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जीरो होगी, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैश इनफ्लो माइनस में टोटल कैश आउटफ्लो जो है, यानी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो IRR के अंदर तो परसेंटेज जो है वो इस बेस पे निकाला जाता है कि जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी 1 लाख हमारी कॉस्ट है और 1 लाख ही हमारी कैश इनफ्लो होने चाहिए। तो अगर अब इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो क्या आएगा, 1 लाख तो हमारी कैश इनफ्लो आ गए और माइनस में 1 लाख हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गई, तो ऑब्वियसली नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी IRR रेट के ऊपर NPV हमेशा जीरो रहेगी। अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, IRR इज़ हायर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न, जो हमारा रिटर्न है उससे हायर रहेगा तो हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, और अगर IRR की जो रेट है वो हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है तो हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। कैसे, अब देख लेते हैं। इसके अंदर NPV हमारी कितनी है, 10%, ठीक है, और हमारा IRR कितना है, 15%। 15% मतलब IRR हायर है, मतलब ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना है। कैसे, वो आप खुद देख सकते हो, 10% में प्रॉफिट हो रहा है हमारे को 13,700, 15% में जीरो प्रॉफिट है, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो 10% की रेट से हमें क्या हो जाएगा, 13,700 का बेनिफिट हो जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो। यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा IRR से कम होगी तो हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। एक हिसाब से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो एक जगह 15% है, एक जगह 10% है, यानी प्राइसेस 15% से बढ़ रहे हैं और एक जगह 10% से बढ़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा हमको 10% में रहेगा, 15% में नहीं रहेगा, 15% में रहेगा तो प्राइसेस और ज़्यादा महंगे होंगे। अगर IRR कम है तो हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना है। इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इफ द NPV एंड द IRR सजेस्ट टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, वी शुड चूज द प्रोजेक्ट विद ए हायर पॉजिटिव NPV। ऐसे प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट है जो एक दूसरे के बिना, यानी या तो एक प्रोजेक्ट करना है, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है अपने को, दोनों हम नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, तो अगर उन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर IRR और NPV दोनों अलग अलग सजेशन हमको देते भी हैं तो हमें NPV को मानना है, हायर जिसके अंदर NPV होगी जिस प्रोजेक्ट के अंदर उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो ये सारे हमारे NPV और IRR के डिफरेंसेस है, एक बार अच्छे से इनको दोबारा कर लेना आप।